पटना के जेडी विमेंस कॉलेज ने स्टूडेंट्स के लिए एक निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया था कि जो भी छात्रा कॉलेज में बुर्का पहनकर क्लास लेती हैं तो उन पर 250 रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं जैसे ही इस बारे में छात्राओं को मालूम चला तो उन्होंने इस नियम पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि बुर्के से कॉलेज को क्या दिक्कत हो सकती है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई नियम जबरदस्ती उन पर थोपा जा रहा हो। इस फैसले को लेकर छात्राएं विरोध कर रही थी, जिसके बाद कॉलेज के प्रिंसिपल श्यामा राय ने इस फैसले को वापस ले लिया है। यानी छात्रा अगर बुर्का पहनकर आती भी हैं तो उन पर किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं लगेगा। पहले बताया गया था कि सभी छात्राओं को शनिवार को छोड़कर हर दिन निर्धारित ड्रेस कोड में कॉलेज आना होगा। स्टूडेंट्स कॉलेज में बुर्का नहीं पहन सकती, अगर वह बुर्का पहनकर आती भी हैं तो उन्हें 250 रुपए का जुर्माना देना होगा। इस बारे में कॉलेज के प्रिंसिपल श्यामा रॉय ने कहा कि यह घोषणा नए सेशन के ओरिएंटेशन के समय ही छात्राओं के सामने की गई थी। ये नियम छात्राओं में एक रूपता लाने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जो छात्राएं बुर्का पहनकर आना चाहती हैं आए, लेकिन कैंपस में प्रवेश करते ही बुर्का उतार कर क्लास में बैठना होगा। वहीं शनिवार के दिन उन्हें छूट है, उस दिन उन पर कोई भी ड्रेस कोड लागू नहीं होगा। फिलहाल तो कॉलेज ने यह फैसला वापस ले लिया है। तो आगे और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के लिए सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।